हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पीरो ट्रैक डीजल मॉनिटरिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करेंगे बैकहो लोडर। तो ये मॉडल है केस का, सेम हमारा जेसीबी भी जो होता है उसमें भी सेम हमारा इंस्टॉलेशन होगा। स्पीरो ट्रैक डीजल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के बाद आप कितना डीजल भरा जा रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, अगर चोरी हो रहा है तो वो सारा चीज़ आप जीपीएस के साथ डीजल का भी पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें टैंक से पंप लगा के डीजल को पूरा खाली करना पड़ता है। ये देख सकते हैं डीजल टैंक से हमारा पूरा डीजल निकाल के दूसरे ड्रम में रखा जा रहा है। फिर ये स्पीरो ट्रैक का हमारा फ्यूल सेंसर है, डीजल सेंसर इसको बोलते हैं, कैपेसिटिव टाइप है, इसको इंस्टॉलेशन करना है और उसके बाद इसका वायर को अटैच करके पूरा केबिन में ले जाना है जहाँ पर डिवाइस लगेगा। तो सबसे पहले हमें टैंक का सेंटर एरिया लेना पड़ता है, वहाँ पर हमें 36 mm का ड्रिल बिट लगा हुआ है, वहाँ पे हमें ड्रिल करके इस तरह से होल करना है 36 mm का। फिर टैंक का आपको गहराई नापने के बाद सेंसर का लेंथ पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे लेंथ हमें पता चल गया इस टैंक के हिसाब से। उसके बाद हमें हेक्सा ब्लेड से इसे कट करना है, जो भी टैंक का गहराई होगा, डेप्थ होगा। ये काटने के बाद नीचे में थोड़ा सा फाइलिंग कर लेना है ताकि वो क्लीन रहे। फिर हमें सेंसर को कैलिब्रेट करना पड़ता है, एम्प्टी और फ्यूल वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। तो स्पीरो ट्रैक का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें हमें एक बार फुल करके फुल दाबना पड़ता है, एम्प्टी करके एम्प्टी, इस तरह से देख सकते हैं जैसे जैसे हम सेंसर से डीजल निकाल रहे हैं। ऐप में भी स्पीरो ट्रैक का एक एप्लीकेशन होता है फ्यूल सेंसर को कैलिब्रेट करने के लिए उसमें। फिर अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो ये गैस्केट रहता है सेंसर के साथ, रबड़ गैस्केट है, इसमें हम लोग पेस्ट लगाते हैं, सिलिकॉन पेस्ट हो गया, ताकि वो बढ़िया से उसको पकड़ मजबूत रखे और डीजल टैंक में पानी जाने नहीं दे, वो सील करता है गैस्केट लग गया। अब इस तरीका से बैठा के चार ड्रिल हमने एक्स्ट्रा कर लिया था नट्स लगाने के लिए, और इसे अच्छी तरीका से सेंटर में हमने अटैच कर दिया। ये सेंसर एकदम फिक्स हो गया, वाटरप्रूफ टाइटिंग हो गया एकदम। अब ये कनेक्टर है सेंसर का, वायर कनेक्ट करके हमें केबिन में ले जाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग केबिन में जाएंगे, ड्राइवर केबिन में, वहाँ पे ये डैशबोर्ड आपको सामने में दिखेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको खोलना है। और ये हमारा स्पीरो ट्रैक फ्यूल मॉनिटरिंग टर्मिनल है, जीपीएस एंटीना है, इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे होगा। तो हमारा जो फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम है वो थोड़ा यूनिक है, उसमें स्पेशल एल्गोरिदम्स होता है फ्यूल को प्रोसेस करने के लिए, ताकि 99.5% आपको फ्यूल का एक्यूरेसी मिल पाता है। तो स्पेशल डिवाइस हमारा होता है फ्यूल मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली, जो कि आपको मार्केट में बाकी कंपनीज जनरल डिवाइस यूज़ करती है, बट हमारे स्पीरो ट्रैक में स्पेशल फ्यूल के लिए डिवाइस बना है। तो सेंसर से हमें वायर कनेक्ट करके नीचे से इस तरीके से टाई बेल्ट लगाते हुए केबिन के तरफ ले जाना है, वायर को अच्छी तरीके से ले जाना है ताकि आपका डैमेज नहीं हो चलाते समय। ये नीचे से अच्छी तरीके से फिक्स करके टाई बेल्ट लगाते हुए डैशबोर्ड तक वायर आ गया। अब यहीं से सेंसर को पावर भी मिलेगा, रेड एंड ब्लैक वायर है सेंसर का पावर के लिए, और येलो वायर होता है डेटा लाइन के लिए सेंसर का। तो सेंसर में हमने एक फ्यूज़ अटैच कर दिया उसके पावर लाइन में, और ये सेंसर से जो येलो वायर निकल रहा है वो हमारा फ्यूल का डेटा आता है, उसे हम अपने डिवाइस में कनेक्ट करते हैं। फिर अब हमें देखना है कि 12 वोल्ट का हमें या 24 वोल्ट का पॉजिटिव पावर लाइन कहाँ पर मिल रहा है। तो ये आप रेड कलर का सॉकेट देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि 12 वोल्ट लाइन मिल रहा है, ये हमारा कंटिन्यू पावर सप्लाई है। तो इसी पे हमें डिवाइस और सेंसर का पावर कनेक्ट करना है, इस वाले कनेक्टर में आप देख सकते हैं रेड कलर का जो वायर, जिसमें इसे आप स्लाइस करके यहाँ से पावर कनेक्शन ले लेते हैं। कहीं पे भी 12 वोल्ट का आपको कंटिन्यू लाइन मिलना चाहिए बिना चाबी ऑन किए, तो हमारा पावर का कनेक्शन हो जाएगा। तो डिवाइस का रेड वायर एंड रिले का रेड वायर इस पावर सोर्स से कनेक्ट कर देना है, और डिवाइस का ब्लैक एंड सेंसर का ब्लैक जो ग्राउंड होता है कहीं पे भी नट में आप टाइट कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड का कनेक्शन हो जाता है। हम लोग इसमें डोर सेंसर भी कनेक्ट किए हैं, तो वो भी डोर का जो सेंसर का वायर होता है वो भी एक डिजिटल इनपुट में कनेक्ट कर रखे हैं, और ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसमें इंस्टॉलेशन करना है RFID रीडर का। तो ये सारा वायरिंग कंप्लीट होने के बाद अच्छी तरीके से टेप से उसको
टाइट कर लेना है और ये हमारा स्पीरो ट्रैक का डिवाइस है। आप कनेक्शन होने के बाद इसे कनेक्ट करना है, फिर आप देख सकते हैं कनेक्ट होने के बाद आपका लाइट जलेगा इस तरीके से। अब हमारा कैलिब्रेशन का प्रोसेस चालू होता है, वायरिंग सारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ड्रम में 5 लीटर का कंटेनर में डीजल लेना है और इसको यहाँ पे डीजल टैंक में डालते जाना है, ज़ीरो से शुरू करना है। उसके बाद हमें मोबाइल एप्लीकेशन में रीडिंग लेना है कि कितना आ रहा है हर लीटर पे, जैसे 5 लीटर में 524 है, 10 में 1000 समथिंग, इसी तरीका से आपका 115 लीटर में 7242 वैल्यू आ रहा है। तो ये आपको टोटल प्रोसेस ऐसे कैलिब्रेट करके करना है, फिर सर्वर पे डालना रहता है।